हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्लीव्स के लिए ये कपड़ा लिया है। कपड़े को हमने इस तरह से एक बार फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमने बंद बाजू जो है वो अपने साइड में रखी है और यहाँ पे ये जो है ये खुली साइड है। तो स्लीव्स की कटिंग कैसे करते हैं, जैसे जब भी हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो कोई कोई मतलब गलत हो जाता है या कम ज़्यादा हो जाती है। जब भी हम ब्लाउज़ को स्लीव्स बिठाते हैं तो कम ज़्यादा हो जाती है। तो इसीलिए क्या करना है, जो परफेक्ट मेजरमेंट लेंगे तो ये स्लीव्स की लेंथ या चौड़ाई भी कम ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाती हूँ कि कैसे कटिंग करनी है। जब हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं तो यहाँ पे जैसे हम आर्म होल लेते हैं, ब्लाउज़ का आर्म होल आपका कितना है उसको नापना है। तो आप चाहे तो उसको नाप के भी स्लीव्स की चौड़ाई निकाल सकते हैं, नहीं तो जितना आपका आर्म होल होगा उसमें आपको 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे आपका आर्म होल हो 5 इंच तो आपको 7 इंच या 7.5 इंच लेना है। जैसे आपका आर्म होल 6 इंच होगा तो आपको 2 या 2.5 इंच आपको इसमें प्लस करना है। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ का आर्म होल है 6 इंच, तो इसमें हमें 2 इंच या 2.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 इंच भी लेती हूँ या 2.5 इंच, जितना भी आपको जैसे इसकी चौड़ाई होगी ब्लाउज़ की, जितनी भी आपका आर्म होल होगा उसमें आपको 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच प्लस किया है, एक्स्ट्रा जो है उसको हमें कट करना है। जितनी भी आपकी लेंथ होगी, जैसे स्लीव्स की जितनी आपकी लेंथ होगी, जैसे 5 इंच आपकी लेंथ है तो 5 इंच लेंथ है तो आपको 6.5 इंच लेना है, यानी कि 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। ये अंदर के साइड में फोल्ड होने के लिए 1 इंच जाता है और ऊपर के साइड में हमारा सिलाई में जाता है। और यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है इस तरह से। उसके बाद ये चौड़ाई ली हमने, जितना आपका आर्म होल होगा उसमें आपको 2 या 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा करना है, ये आपकी बाजू की चौड़ाई निकलती है। ये जो है ये हमारे ब्लाउज़ की लेंथ है। तो यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी आपकी लेंथ होगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। अस्तर वाला ब्लाउज़ होगा तो अस्तर वाले ब्लाउज़ में हमें 0.5 या 1.75 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। जैसे 5 इंच आपकी लेंथ होगी तो हमें 0.75 इंच लेना है। तो यहाँ पे हम सिंपल स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं इसीलिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे हमें 2.5 इंच में एक मार्किंग करनी है। इस तरह से 2.5 इंच में एक मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे हमें इस तरह से ये बाजू का शेप देना है। इस तरह से हम बाजू का शेप देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच तक इस तरह से सीधा लेंगे और यहाँ पे हम दूसरा यानी कि फ्रंट साइड का शेप दे देते हैं। ये दोनों के बीच में हमें 1 इंच का, कम से कम 1 इंच का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे हमें 1 इंच का अंतर होना चाहिए। यहाँ पे हमने इस तरह से एक शेप दिया है और दूसरा इसमें 1 इंच सीधा लेके इस तरह से हमने ये फिश जैसा ये शेप आता है। यहाँ पे हमें जो एक्स्ट्रा लाइन होती है, यहाँ पे हमने जो लाइन खींची है यह इसके ऊपर हमें बॉटम लेना है। जैसे जितना भी आपका बॉटम होगा, 5.5 इंच हमारा बॉटम है तो इसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि 7 इंच। हम 7 इंच पे इस तरह से इसको क्रॉस में ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब इसकी हम कटिंग करते हैं। पहले हम ये बैक साइड का जो है उसको कट करेंगे। ये हमारी बैक साइड का है, बैक साइड की गोलाई है और यहाँ पे जो है ये हमारी फ्रंट साइड की गोलाई है। इस तरह से ये फ्रंट साइड की गोलाई आती है। तो ये है फ्रंट साइड की गोलाई और ये है बैक साइड की गोलाई। तो हमारी स्लीव्स इस तरह से आएगी। ये हमारी फ्रंट साइड में आता है और यहाँ पे हम ये बैक साइड में ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से इसका सेंटर निकालना है। यहाँ पे हमें इसको सेंटर निकालना है। तो आप यहाँ पे ये जो स्लीव्स हैं तो इसको आपको देखना है। जब भी आप स्लीव्स की कटिंग करने के बाद
यहाँ पे आपकी बैक साइड और फ्रंट साइड देखनी है। तो ये जो है, ये जो साइड है, तो हम ये बैक साइड में अटैच कर लेते हैं, नहीं तो आप सेंटर से भी स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे तो भी चलता है। जैसे ये फ्रंट साइड में आना चाहिए और ये बैक साइड में आना चाहिए। तो हमने आपको स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी थी ये मैंने आपको दिखाया है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक या शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।